गुड इवनिंग। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके आगे से हम लोग देखते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैविंडिश बैलेंस तक पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। नेम ऑफ टॉपिक इज व्हाट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ टॉपिक इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हमें देखना है। वैसे हम लोग ये काइनेमेटिक्स के अंदर देख चुके, ठीक है, फिर भी एक बार यहाँ पर ग्रेविटेशन पढ़ रहे उस कारण से हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ठीक, ध्यान दो। ये हमने मान लिया हमारी क्या है, अर्थ सरफेस है, दिस इज एन अर्थ सरफेस। आपको पता है जब बॉडी, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर बॉडी सिमेट्रिकल हो, ठीक है, तो उसका पूरा मास जो है वो कहाँ पर मान सकते हैं, सेंटर पर, अकॉर्डिंग टू फिनोमिना ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो मैं इस पूरी बॉडी का मास कहाँ, अर्थ का मास कहाँ मान लेता हूँ, सेंटर पर। कितना मान लेता हूँ, कैपिटल एम, दिस इज द मास ऑफ होल अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ का रेडियस मैं कितना मान लेता हूँ, इस अर्थ सरफेस का रेडियस मैं मान लेता हूँ कैपिटल आर, ठीक है। दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। आर की वैल्यू आपको पता है, अर्थ सरफेस की रेडियस कितनी होती है, 6400 किलोमीटर न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है। दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। मास ऑफ अर्थ सरफेस कितना मानते हैं हम लोग, 6 इंटू 10 दस टू पावर 24 kg, दिस इज द मास ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। तो अर्थ का पूरा मास मैंने कहाँ फोकस करवा दिया, सेंटर पर ले लिया है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट मास मान लिया है। और रेडियस कितनी मानी है, आर रेडियस मान लिए। अब मानो कोई बॉडी है जो कहा है अर्थ सरफेस पर है या फिर उसके आसपास ही कोई ऑर्बिट में, ठीक है। इसका मास हम लोग कितना मान लेते हैं, स्मॉल है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, अगर हम लोग बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ सरफेस, बिटवीन अर्थ सरफेस एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अर्थ सरफेस के बीच में अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स देखना हो तो याद करो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अर्थ का मास कैपिटल एम, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। दूसरी बात, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस के। दोनों बातों को अगर आप साथ में लिखोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, फोर्स mm बाय आर स्क्वेयर, ठीक। तो प्रोपोर्शनल का सिंबल अगर आप हटा देंगे यहाँ से तो आपको पता है क्या लगाना है, इक्वल टू और कॉन्स्टेंट। और हमें पता है कॉन्स्टेंट क्या लगता है, कैपिटल जी, कैपिटल जी इज नोन एज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने कैविंडिश बैलेंस से पिछली क्लास में फाइंड आउट करी थी। तो ये आ गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट के बीच में और अर्थ सरफेस के बीच में लग रहा है, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि जब इसके बीच में फोर्स लग रहा है तो सीधी बात है कौन फोर्स लगाएगा, आरती खींचेगी ना अपनी तरफ, जिसका मास ज्यादा होता है वो अपनी तरफ क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा। तो ये छोटा मास जो है वो क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है। फोर्स लगने के कारण यहाँ पर क्या जनरेट होगा, एक्सीलरेशन जनरेट होगा। तो मुझे पता करना है उस छोटे मास का एक्सीलरेशन कितना होगा, तो हम लोग बात कर लेते हैं एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ड्यू टू कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कितना एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। वी नो द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स बराबर से होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम, उसका एक्सेलरेशन मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए ए, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ बाय स्मॉल एम, ठीक है। बट ये एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, इसीलिए इस एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसीलिए नोटेशन ए की जगह पर हम लोग यहां पर क्या लेते हैं, जी लेते हैं, ठीक है। तो जी बराबर से क्या हो जाएगा, एफ बाय एम हो जाएगा, ठीक है। जी बराबर से क्या हो जाएगा आपका, एफ बाय एम। नाउ द वैल्यू ऑफ एफ कितना होती है, वैल्यू एफ की देखो, जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर, ये वैल्यू हम लोगों ने यहां निकाली, ठीक है। डिवाइडेड बाय किससे करना पड़ेगा, हमें मास से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी जी का वैल्यू कितना आएगा, जी एम बाय आर स्क्वेयर। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और एक चीज आप यहां पर लिख सकते हो, ऐसे लिखना, नियर द अर्थ सरफेस या फिर ऑन द अर्थ सरफेस, दोनों ही बात आप कर सकते हो, कि ये वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ होगा, नियर द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के पास या फिर अर्थ सरफेस के ऊपर, क्योंकि अभी आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, अर्थ सरफेस के पास रखा है, अर्थ सरफेस के ऊपर रखा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आ रही है, जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। अब जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, तो ये फॉर्मुलेटिकल वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, अगर आपको क्या निकालनी है, न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी है, तो आप जी एम और आर की वैल्यू रख सकते हो। जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 11। एम की वैल्यू कितनी होती है, 6 इंटू 10 रेस टू पावर 24। आर की वैल्यू देखो मैंने बताई है कितनी होती है, 6.4 इंटू 10 की पावर 6। इसे जब सॉल्व करोगे आप, तो जी का वैल्यू आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर अप्रोक्सीमेट, ठीक है। कितना वैल्यू आता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है। अगर अर्थ सरफेस के पास में आप मानोगे, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर्मुलेटिकल कितना होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, और उसका न्यूमेरिक वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर उसका न्यूमेरिक वैल्यू होता है। अगर आप इसका यूनिट देखोगे, तो यूनिट वही होगा जो एक्सेलरेशन का हुआ करता था। मतलब यूनिट क्या होगा आपका, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, दिस इज द यूनिट, ठीक है। और डायमेंशंस क्या होंगे बच्चों, वही जो एक्सेलरेशन के हुआ करते थे, यानी डायमेंशंस होंगे आपके m0 l1 t रेस टू पावर माइनस 2। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ओवरऑल यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के कारण बॉडी एक्सेलरेट करती है, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बॉडी मूव कर रही है। या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहो, या फिर उसे क्या कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये तो नियर दी अर्थ सरफेस आ गया, ठीक है। अर्थ सरफेस के पास कितना जी का वैल्यू होगा, ये हम लोगों ने पढ़ा, ठीक। अब हम लोग वेरियस प्लेसेस पर ग्रेविटी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एल्टीट्यूड, ठीक है।
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एल्टीट्यूड पर कितनी होती है ग्रेविटी, ठीक है? तो मैं फिर से अर्थ सरफेस कंसीडर कर लेता हूँ, दिस इज अर्थ सरफेस, मास कितना लेना है कैपिटल एम, रेडियस कितनी लेनी है कैपिटल आर, ठीक है? अब जो ऑब्जेक्ट पहले अर्थ सरफेस पर हुआ करता था वो एल्टीट्यूड पर होगा, एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, हाइट पर, ठीक है ना, पढ़ा है ना। तो मैं अर्थ के नियर बाय एक ऑर्बिट मान लेता हूँ, ठीक है, और मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है इस ऑर्बिट के अंदर है, ठीक है, यहाँ कहीं, और ये कितनी हाइट पर है, तो मैंने मान लिया इसकी हाइट कितनी है, एच हाइट, और इसके मास कितना रहेगा, स्मॉल एम, ठीक है, मास कितना रहेगा, स्मॉल। तो देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब मुझे हाइट पर निकालना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, जो वेट है वही ग्रेविटेशनल फोर्स का काम करता है, आपको पता है। देखो फोर्स कितना हो जाएगा, अब फोर्स हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वेयर, क्योंकि अब सिर्फ चेंज किस में आया है, डिस्टेंस के अंदर ही चेंजेस आया है, पहले डिस्टेंस आर हुआ करता था, अब कितना लेना पड़ेगा हमें, आर प्लस एम एच लेना पड़ेगा, ठीक है। आर प्लस एच क्यों लेंगे, क्योंकि अभी ये एच हाइट के ऊपर चला गया है, ठीक है, तो वो एच हाइट जो है वो ऐड हो जाएगी, पहले अर्थ सरफेस पर होता था इसलिए एच नहीं लिया जाता था, अब ये क्या आ गई हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन निकालना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो आपको पता है क्या करना है, फोर्स अपॉन मास करना पड़ेगा, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पर होगा, हाइट पर, इसलिए मैं बेस में क्या लगा देता हूँ, एच लगा देता हूँ, ठीक है। बेस में एच इसलिए लगाया क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पर है, हाइट पर फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए बेस के अंदर हमने क्या लगा दिया है, एच लगा दिया है। अब फोर्स की वैल्यू कितनी है, रखो यहाँ पर जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वेयर अपॉन एम, दिस एम एम कैंसिल, तो हम लोग कह सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट कितना आता है, जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वेयर। यूनिट डायमेंशंस तो आपके सेम ही रहने वाले हैं, बस ये डिस्टेंस के अंदर क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा, कितना डिस्टेंस हो जाएगा, आर प्लस एच का स्क्वेयर, ठीक है। जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर प्लस एच का स्क्वेयर, ठीक है। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एल्टीट्यूड। अभी हमने वेरिएशन नहीं देखा है कि कितना वेरिएशन हुआ हाइट पर जाने के साथ साथ, अभी हमने सिर्फ देखा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एल्टीट्यूड कितना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग निकालेंगे अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दी डेप्थ, ठीक है। अब हमें कहाँ निकालना है, डेप्थ पे निकालना है। ठीक है, अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, तो वही फिर से हमें कंसीडर करना पड़ेगी, अर्थ सरफेस, ठीक है। और अब हम लोगों को कहाँ जाना है, देखो ये क्या होगा, सेंटर पे मास एम, दिस इज रेडियस, और अब हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं मान लेते हैं, पॉइंट मान लो, ठीक है, और इसका मास कितना मान लेता हूँ, स्मॉल एम। मैं मान लेता हूँ ये अर्थ सरफेस से कितना डेप्थ में आया है आपका ऑब्जेक्ट, तो मैंने मान लिया डी डेप्थ में आया, कितना डेप्थ में आया है, डी डेप्थ, पहले सरफेस पर था फिर एल्टीट्यूड पर देखा, अब कहाँ देख रहे हैं हम लोग, डेप्थ में देख रहे हैं, तो मैंने मान लिया कितना डेप्थ के अंदर आया है, डी डेप्थ में आया है, ये टोटल आर है, ये डी डेप्थ के अंदर आ गया है, तो ये कितना रिमेनिंग बचेगा, आर माइनस डी, मतलब ये दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, आर माइनस डी रहेगा, ठीक है। सो
ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स हियर इज व्हाट? जी एम एम अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है। कितना आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स? जी एम एम अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर, क्योंकि अब डिस्टेंस कितना हो चुका है? आर माइनस डी हो चुका है, तो क्या जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स? जी एम एम अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है। ये बात हमने कर ली, अब हमें तो क्या निकालना है? एक्सीलरेशन निकालना है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमें क्या करना होगा? जी बेस में डी लगा दो। डी क्यों लगा दिए? क्योंकि हम लोग कहां जा रहे हैं? डेप्थ में जा रहे हैं, डेप्थ में ला रहे हैं, इसलिए डी लगा दिए। तो क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन, फोर्स अपॉन क्या आएगा? मास। ये फिर मास मास क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? जी एम अपॉन यस आर माइनस डी का स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दी डेप्थ ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। ये क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा कहां पर? एट दी डेप्थ ऑफ दी अर्थ सरफेस। यूनिट और डायमेंशंस के अंदर कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ठीक है, वही रहने वाले, चाहे आप डेप्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालो, चाहे एल्टीट्यूड का। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हम लोगों ने तीनों जगह के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देख लिया, वेरिएशन देखते हैं। आपकी बुक में टॉपिक दिया हुआ है वेरिएशन का, उसी को पढ़ना है अब हमें। नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा क्या है, वेरिएशन इन जी ड्यू टू एल्टीट्यूड, ठीक है। जी के अंदर क्या वेरिएशन आता है? जब बॉडी कहाँ जाती है? एल्टीट्यूड पर जाती है, इसका मतलब कहाँ जाती है? हाइट पर जाती है। इससे क्या कंसीडर करेंगे हम लोग फिर से? यस दिस इज अर्थ सरफेस, ठीक, ये सेंटर होगा, सेंटर पर पूरा मास क्या करेगा? कॉन्सेंट्रेट करेगा, ठीक है। ये नियर बाय कोई ऑर्बिट बना देता हूँ, ठीक है। हाइट कितनी ले लेता हूँ? एच। अर्थ की रेडियस कितनी ले लेता हूँ? आर। यहाँ पर मान लो ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना रहेगा? स्मॉल है। अब मुझे पता करना है कि एल्टीट्यूड पर जाने पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके अंदर कितना वेरिएशन हुआ है, ठीक है। अगर वेरिएशन बताना है तो मुझे अर्थ सरफेस, नियर दी अर्थ सरफेस की ग्रेविटी और हाइट की ग्रेविटी के अंदर क्या निकालना पड़ेगा? रिलेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर दी अर्थ सरफेस कितनी होती है? जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। ये क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर दी अर्थ सरफेस, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब देखा ना हमने अभी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड पर कितनी होगी? जे एच इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वेयर, ठीक है। ये कहाँ पर होगी? एल्टीट्यूड पर होगी, और ये कहाँ पर होगी आपकी? नियर दी अर्थ सरफेस। अगर मुझे वेरिएशन पता करना है, ठीक है, तो इन दोनों का रिलेशन निकालना होगा,
और जब रिलेशन निकालते हैं तो हमें पता है कि हम लोग रेशियो करते हैं, ठीक है। तो इसे वन दे देता हूँ, इसे टू दे देता हूँ, बाय इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है। अगर मैं दोनों इक्वेशंस की बात करूँ तो रेशियो करूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा, जी एच अपॉन जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वेयर अपॉन में क्या जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। तो हियर जी एम एंड जी एम इज कैंसल, सो हियर वी कैन राइट एज जी एच अपॉन जी, ये आर स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा क्योंकि अपॉन के अपॉन में तो कहाँ चले जाता है, ऊपर, और ये कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, मतलब आर स्क्वेयर न्यूमिनेटर में चला जाएगा और आर प्लस एच का स्क्वेयर जो है वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वेयर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब इसे ओवर ऑल स्क्वेयर भी कर सकते हो आप चाहो तो, जी एच अपॉन जी वैसे ही रहेगा, ठीक। और इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वेयर। अगर रिलेशन निकालना है तो जी को इधर भेजना पड़ेगा, जी जैसे ही इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वेयर। तो आप देख रहे हैं इसका आंसर क्या आने वाला है, वन से कम आने वाला है, ठीक है, क्योंकि आर अपॉन आर प्लस एच, तो इसका आंसर वन से कम आएगा। सपोज टू भी मैं मान लेता हूँ इसका आंसर कितना आता है, 0.5। अगर इसका आंसर 0.5 आता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जी बाय टू, क्योंकि 0.5 है ना, क्या 1 बाय 2 है ना, 1 बाय 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जी बाय टू। इसका मतलब हाइट पर जाने पर ग्रेविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है ना। हाफ हाफ नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो हमने यहाँ 0.5 माना, इसलिए हाफ हाफ हो सकती है, जी बाय फोर हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ओवरऑल जब हम लोग हाइट पर जा रहे हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जब आप हाइट पर जाते हो तो ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है, और इन्फिनिटी पर पहुंचने पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होता है, ठीक है। अब हम लोग एक और तरीके से इसे फाइंड कर सकते हैं, देखते हो तरीका भी, बुक में दिया है उन्होंने, देख लेते हैं। ध्यान देंगे, हम लोग इस इक्वेशन का यूज करते हैं, दिस इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, जी एच अपॉन जी इज इक्वल्स टू, उसके ऊपर वाली ले लो या तो, अलग अलग स्क्वायर है ना, तो ये आर स्क्वेयर बाय आर प्लस एच का स्क्वेयर, ठीक है। ये हम लोगों ने फाइंड करी, ये रही इक्वेशन, ठीक। सो इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, ए प्लस बी का स्क्वेयर, ये तो हमें पता चल गया कि वेरिएशन क्या हो रहा है, ग्रेविटी कम हो रही है, हमें पता चल गया, लेकिन बुक में उन्होंने थोड़ा एक्सपांड किया तो हम भी बता देते हैं कैसे किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वेयर हो जाएगा, कर देते हैं, क्या जाएगा, जी एच अपॉन जी, ये आर स्क्वेयर वैसे ही रहेगा, आर प्लस एच का स्क्वेयर मतलब क्या लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर रहेगा, मतलब आर स्क्वेयर प्लस टू एच आर प्लस एच स्क्वेयर, ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगेगा। अब मैं क्या करता हूँ, जो नीचे वाली जो इक्वेशन है इसको, पूरी इक्वेशन को आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम लोग कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी एच अपॉन जी, ये आर स्क्वेयर आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है, और इधर वाले नीचे वाली वैल्यू को हम लोग हर पॉइंट को आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई और आर स्क्वेयर से डिवाइड करते हैं, क्योंकि आर स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर वैसे भी वन होना है, तो वन से मल्टीप्लाई करने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2HR मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वेयर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका, एच स्क्वेयर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। तो हम सब तरफ क्या कर दिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या कर दिए, आर स्क्वेयर कर दिए। तो ये आर स्क्वेयर
एक आरिश करिए तो देखो, देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सी चीजें कैंसिल होगी। उसके पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हमें ऊपर वाला आर स्क्वायर कैंसिल करना है, तो इन सब में से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अगर आर स्क्वायर कॉमन लेंगे आप तो क्या बचना है, देखो ध्यान दो, ये वैसे ही रहेगा जी एच अपॉन जी, ये ऊपर का आर स्क्वायर भी वैसे ही रहने दो, ठीक है। ऊपर का आर स्क्वायर अगर रहेगा तो नीचे से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, पहली टर्म बचेगी आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म क्या बचेगी, ऊपर वाला आर स्क्वायर गया ना तो नीचे वाला तो बचेगा, मतलब टू एच आर बाय आर स्क्वायर। और तीसरी वाली टर्म के अंदर क्या बचेगा, देखो एच स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, क्योंकि ऊपर वाला आर स्क्वेयर गया, नीचे वाला तो वहां पर भी रिमेनिंग रहेगा ना, राइट है। तो अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वेयर ये हो जाएगा वन, ये इसके आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये क्या बचेगा, जी एच अपॉन जी इज इक्वल्स टू वन अपॉन, नीचे क्या बचेगा, वन प्लस टू एच बाय आर प्लस एच स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, ये बचेगा। अब ये देख सकते हैं हम लोग किसका फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, ध्यान दो, ये किसका, इधर रफ में बता देता हूँ मैं, ठीक है। फॉर्मूला किसका बनेगा, ये वन प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर अगर मैं करूँ तो वन प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर क्या आएगा, वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू वन इंटू एच बाय आर प्लस एच स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, मतलब ओवरऑल मैं क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस टू एच बाय आर प्लस एच स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। तो देखो ये वैल्यू आपको यहाँ नजर आ रही है, ठीक है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, वन प्लस एच बाय आर के होल स्क्वेयर की वैल्यू है, ठीक है। सो वी कैन पुट हियर जी एच बाय जी को वैसे ही रहने दो, ठीक है। नाउ वन अपॉन हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, वन प्लस एच बाय आर का होल स्क्वेयर। जब इसने ऊपर जाना है, ठीक है, तो हमें पता है जो आपका डिनोमिनेटर रहता है अगर वो न्यूमिनेटर में जाएगा तो पावर का सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब अब क्या रहेगा, देखो ध्यान दे, अगर आप, तो दिस इज जी एच अपॉन जी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा वन प्लस एच बाय आर की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस टू, कितनी पावर हो जाएगी, माइनस टू, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बाइनोमियल एक्सपांशन लगा सकते हैं, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग वाली क्लास में मैथमेटिकल टूल्स के अंदर, ठीक है। तो वन प्लस एच बाय आर एस टू पावर माइनस टू है तो कुछ इस तरीके से एक्सपांड होगा, वन माइनस टू एच बाय आर, ठीक है, और आगे ऐसा रह सकता है थ्री एच स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो ये बाइनोमियली क्या होगा, एक्सपांड होगा आगे, ठीक है, बहुत इसे एक्सपांड कर देंगे हम लोग, लेकिन अगर आप देखें तो एच बाय आर जो है उसकी वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल आती है, स्मॉल, क्योंकि एच छोटा होगा, ठीक है, और आर बड़ा होगा, तो उस हिसाब से एच बाय आर स्मॉल आएगा, और एच बाय आर की जो हाइयर पावर है, ठीक है, हाइयर पावर जो रहेगी एच बाय आर की, ठीक है, वो और छोटी हो जाएगी, क्योंकि एच बाय आर अगर कुछ छोटा है, जैसे 0.1 का अगर मैं स्क्वेयर करूंगा तो उसमें और छोटा होना है, ठीक है। तो एच बाय आर की जो हाइयर पावर है, मतलब एच स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर या फिर क्यूब वाली जो भी पावर रहेंगी आगे, इसे एक्सपांड करेंगे ना हम लोग बाय बाइनोमियल एक्सपांशन, या लिख सकते हैं आप बाय बाइनोमियल एक्सपांशन, ठीक है। तो इसे अगर एक्सपांड आप लोग करेंगे तो इसकी जो हाइयर पावर्स रहेंगी वो हमें यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हम लोग वन बाय एच बाय आर रेस टू पावर माइनस टू की जगह पर सिर्फ कितना लिखेंगे, वन माइनस टू एच बाय आर, इतना ही लेंगे। हाइयर पावर्स को हम लोग क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटी है, उन्हें रखो या नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जी एच अपॉन जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन माइनस टू एच बाय आर, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी एच अपॉन जी, कितनी वैल्यू आ रही है, वन माइनस टू एच अपॉन आर, हियर जी इज शिफ्टेड, सो कितना हो जाएगा, जी एच इक्वल्स टू जी वन माइनस टू एच अपॉन आर। अब ध्यान लगा लो कि
ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, वन से छोटी आएगी, क्योंकि एच छोटा है आर बड़ा है, तो वन से वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। अगर वन से वैल्यू छोटी आती है, मान लो 0.5 आती है, तो वन माइनस 0.5 यानी कितना बचेगा, 0.5 बचेगा, तो फिर से जी क्या हो जाएगा, कम। तो हम लोग यहाँ से फिर से एक बार प्रूफ कर देते हैं कि भैया हाइट पर जाने पर या एल्टीट्यूड पर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, अब वेरिएशन देखेंगे डेप्थ के साथ साथ, फिर कल की क्लास में हम लोग लैटिट्यूड के साथ भी देखेंगे, आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा हमारा, आज डेप्थ वाला देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में लिख लिया, पहले फोकस। अब क्या आएगा, वेरिएशन इन जी, मतलब जी मीन्स व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ। ठीक है, डेप्थ के कारण, ठीक है, कितना वेरिएशन आएगा जी के अंदर हमें वो देखना है। ठीक है, वेरिएशन इन जी ड्यू टू व्हाट, डेप्थ। ठीक है, जब हम लोग अर्थ सरफेस की डेप्थ में जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर कितना वेरिएशन आएगा, ध्यान दो। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं अर्थ सरफेस को, ठीक, ये अर्थ सरफेस मान लो, होल मास जो है वो कहाँ फोकस करेगा, सेंटर पर, दिस इज व्हाट रेडियस। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट ले लो, इसे इसका मास कितना मान लेंगे, स्मॉल एम, हम मान लेते हो, कितना डेप्थ में आ रहा है, डी डेप्थ में आ रहा है, तो ये कितना बचेगा, आर माइनस डी बचेगा। अरे अभी पढ़ाना रे भाई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस कितना होता है, बताओ भैया, अर्थ सरफेस या नियर द अर्थ सरफेस कितना होता है, जी इज इक्वल्स टू होता है जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, ये होती है वैल्यू, जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। अब मैं अर्थ को क्या मान लेता हूँ, एक यूनिफॉर्म डेंसिटी का स्पीयर मान लेता हूँ, सपोज कि अर्थ जो है वो एक स्पीयर है और उसकी डेंसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म, और डेंसिटी भी मैं कितनी मान लेता हूं, रो। ठीक है, रो को क्या मान लेता हूं मैं, डेंसिटी ऑफ अर्थ सरफेस, और उसे क्या माना है मैंने, अर्थ को एक यूनिफॉर्म स्पीयर माना है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो स्पीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा, मतलब 4/3 आई आर क्यूब के बराबर होगा। ठीक है ना, सो हियर गाइज वी नो द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी इज व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो मास के लिए यहां पर क्या फॉर्मूला है, मास के लिए आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, मास के लिए क्या जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो हियर वी कैन राइट एज मास तो आपका कितना है, कैपिटल एम है। ठीक है, उसके बाद में डेंसिटी कितनी रहेगी, रो ही रहेगी, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर का क्यूब। अब इस वैल्यू को मास की यहां पुट कर सकता हूं मैं, हमने क्या निकाल लिया, मास निकाल लिया, और इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, बोलो, जी इज इक्वल्स टू जी, एम की जगह पर क्या रखूंगा मैं, रो इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब अपॉन
आर स्क्वायर, दिस इज कैंसिल, तो क्या बचेगा, जी रो 4/3 पाई इंटू आर। ठीक है, ये ग्रेविटी आ रही बेटा कहाँ पर, अर्थ सरफेस पर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ। ठीक है, डायग्राम में रफ कर देता हूँ, वैसे आपने डायग्राम समझ रखा है। हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ। ठीक है, डेप्थ पर कितनी होगी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी डी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर माइनस डी का स्क्वेयर। ठीक है, ये क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ। ठीक है, अब हमें यहां पर भी डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है, डेंसिटी बराबर से क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, रो तो वही रहेगा, मास कितना रहेगा एम, और वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4/3 पाई। ठीक है, और रेडियस का क्यूब होता है ना, अब रेडियस कितनी बची, आप जब डेप्थ में चले जाते हो, देखो मैं एक बार फिर से डायग्राम बना, ये छोटा सा डायग्राम, यहां अगर आप आ गए हो डी नीचे, तो रेडियस कितनी बचती है आर माइनस इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो कितनी बचेगी, अब आर माइनस डी बचेगी ना। ठीक है, पहले रेडियस अगर आप यहां होते थे सरफेस पर तो रेडियस कितनी होती थी आर, लेकिन जब आप नीचे आ जाओगे डी डेप्थ से तो रेडियस कितनी बचेगी, यस, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, आर माइनस डी का क्यूब। तो नाउ मास इज व्हाट, कितना बचेगा रो 4/3 पाई आर डी का क्यूब। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये स्पीयर का वॉल्यूम यहां पर क्यों लिया, तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को कहां पर रख सकते हैं, एक स्पीयर अंदर भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ स्पीयर बना सकते हैं, और हम लोग मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ, स्पीयर की सरफेस पर रखा हुआ। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आपकी मास की वैल्यू आ गई, इस मास की वैल्यू को हम लोग कहां पुट कर देते हैं, अब इस इक्वेशन में पुट कर देते, तो क्या हो जाएगा, जी डी इज इक्वल्स टू जी, मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी रो 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा स्क्वेयर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गई, ग्रेविटी एट डेप्थ। तो देखो मुझे ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस भी मिल चुका है और ग्रेविटी एट डेप्थ भी मिल चुका है। ठीक है, अब मुझे इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। ठीक है, कि क्या वेरिएशन हुआ, वेरिएशन निकालना है मतलब क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। ओके, तो देखते क्या हो, देखो अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी कितनी आई थी, 0/4/3 पाई इंटू आर, और डेप्थ पर कितनी आई, 0/4/3 पाई आर माइनस डी। ठीक है, अब मैं इन दोनों का रेशियो करता हूँ तभी तो मुझे वेरिएशन पता चलेगा, जब इनका रिलेशन पता चलेगा तो आई विल फाइंड वेरिएशन। ठीक है, तो जी डी बाय जी करता हूँ, इसे फिर से 1 और 2 दे देना और यहाँ लिख देना बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, वही बात आएगी, वहीं पर दे देना इक्वेशन 1 एंड 2 जब आप फाइंड करोगे। सो कितना बचेगा, जी डी का वैल्यू कितना है, 0/4/3 पाई आर माइनस डी अपॉन जी का वैल्यू कितना है, 0/4/3 पाई इंटू आर, हियर ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बचेगा, जी डी अपॉन जी आर माइनस डी अपॉन क्या बचेगा, आर बचेगा। अब इस आर को मैं सेपरेट कर सकता हूँ बेस में, डिनोमिनेटर में, तो मैं क्या लिख दूंगा, जी डी बाय जी आर बाय आर माइनस क्या हो जाएगा, डी बाय आर, दिस आर बाय आर इज कैंसल, तो हियर क्या बचेगा,
जी डी बाय जी इज इक्वल्स टू बचेगा 1 माइनस डी बाय आर, तो जी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी इधर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस डी बाय आर। सीधी बात है, आप डायग्राम में देख लेना, ठीक है, ये जो d दिख रहा है वो कम है और r क्या है ज्यादा है, ठीक है, तो d स्मॉल है और r या तो ज्यादा होगा या इक्वल हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 से कम आएगी, ठीक है, 1 से कम आएगी, मतलब मान लो 0.5 आ रही है, तो 1 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा, फिर से 0.5, तो ये क्या बचेगा g बाय 2। तो एट डेप्थ, डेप्थ पर जाने पर भी ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है, और अगर आप बात करोगे एट सेंटर, ठीक है, सेंटर की बात भी कर लो भाई, एट सेंटर, तो सेंटर पर डी बराबर से आर हो जाएगा, क्योंकि आप इतना डेप्थ में आ चुके हो कि आप रेडियस के बराबर हो चुके हो, तो डी बराबर से क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर आप डी बराबर से आर रखोगे तो ये जी डी बराबर से क्या आएगा, देखो अब यहाँ सी लिख दो, सेंटर के लिए निकाल दो, ये जी रहेगा और 1 माइनस डी बाय डी ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो सेंटर पर ग्रेविटी कितनी आएगी, 0 आ जाएगी, बस मन में आ रही है, सेंटर पर कितनी ग्रेविटी आ जाएगी, 0 ग्रेविटी आ जाएगी। तो हमने आज सीखा कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा किधर होता है, अर्थ सरफेस पर होता है, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा किधर होता है, अर्थ सरफेस पर होता है, ठीक है, अगर आप एल्टीट्यूड पर जाते हैं तभी भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, कम होता है, ठीक है, और अगर आप कहाँ जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं तभी भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, कम होगा। अब हम लोग कल एक और नया डेरिवेशन पढ़ेंगे, वेरिएशन इन जी ड्यू टू लेटीट्यूड, ठीक है, लेटीट्यूड मतलब अर्थ सरफेस पर ही घूमेंगे, लेकिन इक्वेटर से किधर की तरफ जाएंगे, पोल की तरफ, जब हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो जी के अंदर क्या वेरिएशन आता है वो हम लोग देखेंगे। आप लोगों ने कई बार सुना रहेगा, ठीक है, कि यार इक्वेटर पर वेट कम होता है, पोल पर ज्यादा होता है, ऐसा कुछ सुना रहेगा, तो वही ग्रेविटी का क्या वेरिएशन है, ठीक है, अर्थ सरफेस पर। आज हमने ये सीख लिया कि सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहाँ होती है, अर्थ सरफेस पर, लेकिन अब हम लोग ढूंढेंगे कि अर्थ सरफेस पर भी सबसे ज्यादा ग्रेविटी कौन से पॉइंट पर होती है, ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे वेरिएशन इन जी ड्यू टू लैटिट्यूड। आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, थैंक यू।